शिव ठाकरे ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में होने वाले स्टंट्स और रोहित शेट्टी के साथ ये स्टंट परफॉर्म करने का मिलने वाला ये मौके के ऊपर शिव ठाकरे ने क्या कहा है, आइए नजर डालते हैं इस पूरे वीडियो पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट नित्य विश्वाल। यूँ तो हमें पता है कि शिव ठाकरे रियलिटी शो के किंग कहलाने वालों में से एक है। अगर मैं कहूँ रोडीज की बात, तो रोडीज में आने के बाद भी ये अपनी पॉपुलैरिटी बखूबी बनाए ही रखे थे। साथ अगर मैं बात करूँ बिग बॉस की, तो बिग बॉस सीजन 2 मराठी बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं। अगर मैं बात करूँ बिग बॉस सीजन 16 की, तो ये फर्स्ट रनर अप भी रह चुके हैं। एमसी स्टैन और उनके टफ बैटल के बीच एमसी स्टैन विनर बने, तो ये भी फर्स्ट रनर अप होते हुए लोगों के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। इन्होंने अपना एक ड्रीम तो कंप्लीट कर लिया है, अपना ड्रीम कार खरीद के, साथ ही अपना बहुत जल्दी अपना दूसरा ड्रीम जो कि खुद का घर लेना मुंबई में, वो भी कंप्लीट करने वाले हैं। इस बीच शिव ठाकरे को जब खतरों के खिलाड़ी में जाने के बारे में पूछा गया और उनको जब ये पूछा गया कि वहाँ पर खतरनाक स्टंट्स भी होने वाले, तो उस पर उनका क्या है कहना, शिव ठाकरे ने कहा कि स्टंट्स को लेके तो हमेशा से एक्साइटमेंट और नर्वस दोनों ही साइमल्टेनियसली साथ में रहा है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करना पसंद है, कुछ कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल करना पसंद नहीं होता, लेकिन शो का पार्ट होने की वजह से वो चीज़ें करनी पड़ती है, अदरवाइज हम लोग एलिमिनेट हो सकते हैं। खास बात इस शो में ये है और खतरों के खिलाड़ी में खास बात ये है कि इस शो में आपको हर एक स्टंट करने के लिए रोहित शेट्टी रहेंगे, जो कि आपको हर पल पे हर मौके पे मोटिवेट करने वाले रहेंगे। जब आपको कोई मोटिवेट करने वाला इंसान मिल जाए, तो फिर और किस बात की देरी, किस बात का आपको गिल्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपसे नहीं भी होगा तो भी आपके पीछे कुछ लोग हैं। और सबसे बड़ा कोई इंसान अगर है जिसने इतना एक्शन मूवीज कर चुके हैं, इतने खतरों के साथ लड़ चुके हैं, वो इंसान आपको गाइड करने वाले हैं ये पूरे स्टंट के दौरान। इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है। मेरे पास तो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं रोहित शेट्टी सर के सामने खुद को प्रेजेंट कर पाऊंगा, खुद का बेस्ट परफॉर्मेंस दे के अपने लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट ले पाऊंगा। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। शिव ठाकरे ने इस तरीके से अपना रिएक्शन दिया है खतरों के खिलाड़ी और रोहित शेट्टी के सामने अपना स्टंट परफॉर्म करने को लेकर। इस पर आपका क्या है कहना और आपका क्या है रिएक्शन, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़े हर अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करिए और देखते रहिए फीफा फूज।